नमस्कार। आपणो गुजरात न्यूज में आपनु हार्दिक स्वागत है। संत शिरोमणि रविदास जयंती पर महात्मा गांधी साहित्य सेवा संस्था गांधीनगर द्वारा बिहार इकाई पर ऑनलाइन हिंदी कवि सम्मेलन योजवामां आव्युं। गांधीनगरथी अमारा संवाददाता महेश आसोडिया जणावे छे के महात्मा गांधी साहित्य सेवा संस्था गांधीनगर द्वारा बिहार इकाई पर 27 फेब्रुआरीना रोज संत रविदास जयंती निमित्ते हिंदी में ऑनलाइन कवि सम्मेलन आयोजित करवामां आव्युं, जेनुं उद्घाटन आदरणीय श्री आत्माराम परमार आंतरराष्ट्रीय महामंत्री श्री महापीठ संत रविदास, पूर्व सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग तथा हाल गढ़ड़ा में धारासभ्य द्वारा करवामां आव्युं हतुं। संस्थाना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर गुलाबचंद पटेल ने अभिनंदन पाठववामां आव्या हता। आ कार्यक्रम में पूर्व धारासभ्य श्री R M पटेल अध्यक्ष महापीठ गुजरात उपस्थित रहा था। आ कार्यक्रम में पूर्व धारासभ्य श्री R M पटेल अध्यक्ष महापीठ गुजरात उपस्थित रहा था। आ कार्यक्रम में अतिथि विशेष तरीके श्री सुरेश राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष महापीठ संत रविदास तथा धारासभ्य हरिद्वार ने निमंत्रण आपवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में संस्थाना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर गुलाबचंद पटेल द्वारा अतिथिओनुं शब्दथी स्वागत करवामां आव्युं हतुं। बिहार इकाईना अध्यक्ष श्री डॉक्टर मीना परिहार पटना द्वारा अतिथिओनुं अने कविओनुं शब्दरूपी पुष्पोथी स्वागत करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में कुल 70 कविश्रीओ उपस्थित रही संत शिरोमणि रविदास जी विषे कविताओं प्रस्तुत करी हती अने जन्म जयंतीनी उजवणी करवामां आवी हती। आ कार्यक्रम में श्री शैलेश वाणिया अध्यक्ष खमड़ोज साहित्य संस्था आणंद उपस्थित रहा था अने कार्यक्रमनी सराहना करी हती। आ कार्यक्रम में श्री कांतिभा पटेल एडवोकेट कोषाध्यक्ष श्री द्वारा आभार व्यक्त करवामां आव्यो हतो। डॉक्टर गुलाबचंद पटेल द्वारा संत रविदास जी विषय पोतानी रचना प्रस्तुत करी। और सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद थे, तब ये संस्था का सृजन हुआ और इस संस्था ने आज जो ये प्रवृत्ति करने जा रही है, ये संस्था वो कवि सम्मेलन है। आप सबको मालूम है कि गुरु रविदास जी हमेशा कायम के लिए लिखने की और बहुत से पद लिख के समाज में एक जागृति लाने का कोशिश किया था और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ऐसा भी कहा था कि मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े रहे संग, रविदास रहे पसंद। यानी सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता का भाव 500-700 साल पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज के सामने रखा था। ये बात को लेके आप सब जानते हैं कि हमारा बंधारण का जो निर्माण हुआ तो उसमें भी सामाजिक समता, बंधुता, समानता का भाव रखा गया है। और संत रविदास जी ऐसे संत हैं कि जिसने गुरुमुखी लिपि का सर्जन किया था और बहुत से पद लिखे थे। मेरी रचना का शीर्षक है संत रविदास जी। यदि कृपा होगी श्री संत रविदास, यदि कृपा होगी श्री संत रविदास, नहीं ज़रूरत होती है लेने की तुम्हें नाश, नहीं ज़रूरत होती है लेने की तुम्हें नाश। जन्म हुआ रविदास जी काशी चमार, बिना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं व्यापार। माघ पूर्णिमा समन 1433 में जन्म हुआ, भाग्यशाली काशी में जिनका मरण हुआ। संत रामानंद जी से ज्ञान अर्जित किया, साधु संत को बिना मूल्य ही जूते भेंट दिया। संसार में भाईचारा एकता पर जोर दिया, कुरीति जात पात के लिए कार्य बहुत किया। रविदास जी जगत गुरु संत गुरु कहलाए, ऊंच नीच की भावना निरर्थक बताए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, सभी देशवासियों को भक्ति से रंगा। राजा रानियों ने बहुत प्रसन्नता दिखाई। मीरा रविदास जी उत्तम शिष्या कहलाए। डॉक्टर गुलाबचंद पटेल कवि लेखक। भारत माता की जय। जय हिंद। जेतपुर तालुकाना तमाम आगेवानोए कर्युं मतदान अने जीतनो आशावाद कर्यो व्यक्त। जेतपुरथी अमारा संवाददाता जय सरवाया जणावे छे के जेतपुर तालुकानी 20 सीट अने जिला पंचायतनी 4 सीट તેમજ नगरपालिकानी 1 सीट माटे सवारथी ज मतदान शरू थई गयुं हतुं। लोकशाहीना पर्वमां तमाम आगेवानोए पोताना मत विस्तारमां मत आपीने पोतानी फरज अदा करी हती। जेतपुर जामकंडोळाना धारासभ्य अने केबिनेट मंत्री જયેશભાઈ રાદડિયાએ પોતાના ગામમાં પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી જશુમતીબેન કોરાટ અને જિલ્લા યુવા ભાજપ પ્રમુખ પ્રસન્ન કોરાટે જૂની સાંકડી ગામમાં રાજકોટ ડેરીના ચેરમેન ગોરધનભાઈ ધમેલિયાએ વીરપુર ખાતે મતદાન કર્યું હતું। આ સાથે જયેશભાઈ રાદડિયાએ રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની તમામ સીટ પર ભાજપના ઉમેદવાર વિજેતા થશે અને ફરી ભગવો લહેરાશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। समग्र राज्यनी अंदर आज जिला पंचायत और तालुका पंचायत चूंटणी माटे मतदान शुरुआत थी है। आज मैं मारा मतना अधिकार आज उपयोग कर्यो छे। जामकरणा तालुका शाळा खाते आज मैं मतदान कर्यु छे। आवनारी जिला पंचायत और तालुका पंचायत ने आ चूंटणी अंदर अमरा भारतीय जनता पार्टीना तमाम उम्मीदवारों विजय थाय ए विश्वास साथ आज मतदान कर्यु छे। जामकरणा तालुको के जे वर्षोथी अमारो गढ़ रह्यो छे, अमारो परिवार रह्यो छे अने पूरा विजयना विश्वास साथे भारतीय जनता पार्टीना तमाम उम्मेदवारो चूंटणी लड़ी रह्या छे अने सवारथी ज आज मतदारोनी अत्यारे लाइनो लागेली छे। आवनारा दिवसोनी अंदर विकासनी राजनीतिने आगळ लई जवा माटे त्यारे उम्मेदवारो चूंटणीना मैदाननी अंदर छे त्यारे मने पूरो विश्वास छे। मारी जामकरणा जिला पंचायतनी 2 सीट, जेतपुरनी जिला पंचायतनी 4 सीट सहित समग्र राजकोट जिल्लानी अंदर भारतीय जनता पार्टीनो भगवो लहरावा जई रह्यो छे। नीचे तालुका पंचायतमां पण भारतीय जनता पार्टीनी सत्ता बनशे। लाजे मतनो उपयोग करवो, मतदान करवुं ए आपणी प्राथमिक फरज छे अने सौ कोई नानाथी लई अने वृद्धो सुधी आज लांबी लाइनो लगावीने मतदान कर्या छे अने मैं आज जामकरणा तालुका शाळा खाते मारो मत आप्यो छे। जयेशभाई, गुजरात में आपनी एंट्री थी, आप सूरत अंदर आपनी घणी बधी सीटों आई छे, शुं कहेशो तमे आ बाबते केवी रीतना कीधुं के कोंग्रेसनो संपूर्णपणे सफायो थयो छे। एक वर्षो जूनी कांग्रेस पार्टी कीधुं के आज दिशाविहीन बनी है। कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं करी रहा अने सूरतनी अंदर सीटों आई है स्वाभाविक है, पण ए सिवायनी तमाम महानगरपालिकाओं में क्यांय आपनु खातु खुल्युं नथी। जिला पंचायत तालुका पंचायत में पण एक पण सीट एमने नहीं मळे अने कांग्रेसनो पण सफायो थशे। एटले भारतीय जनता पार्टीए लोकोए भरोसो मूक्यो छे अने छेल्ला 24 वर्षथी आ राज्यनी अंदर विजय भाई रूपाणीना नेतृत्ववाळी राज्य सरकार होय, नरेन्द्रभाईना नेतृत्ववाळी भारत सरकारने जे कामो कर्या छे लोको सहजताथी स्वीकारी रह्या छे अने आवनारा दिवसोनी अंदर पण आ स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी अने आवनारी विधानसभा 2022 नी चूंटणीमां पण फरी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार बनशे। गुजरात राज्य स्थानिक स्वराज चूंटणी जिला पंचायत और तालुका पंचायत मतदान आज सवार 8 वाग्याथी शुरू थयुं छे, त्यारे गुजरात की जनता ने अपील करूँ छूँ कि वधारे में वधारे मतदान थाय, मतदानों सदुपयोग थाय, मतदान पर्व उजवे एवी आशा राखूँ छूँ। साथोसाथ आजना सवारथी अमे अमारा फेमिली साथे उमळकाभेर मतदान करी अने मतदान थाय अने मतदान करवुं ज जोईए एवी दृढ़ संकल्प साथे आप सबने विनंती करूं छूं। आज थी सीनियर सीटीजन अने 45 થી 60 वर्षना कोर्मबीड नागरिकोने धोराजी सरकारी होस्पिटल खाते कोरोनानी रसी अपाशे। धोराजीथी अमारा संवाददाता कौशल सोलंकी जणावे छे के धोराजी में आज थी सीनियर सीटीजन अने 45 થી 59 वर्षना कोर्मबीड लक्षणों धरावता नागरिकों ने कोरोना प्रतिरोधक रसी आपवामां आवशे। सरकारी आरोग्य केन्द्र में निःशुल्क और खानगी होस्पिटल में 250 રૂપિયા चार्ज लेवामां आवशे। शहेरनी सरकारी होस्पिटल खाते गाइडलाइन मुजब धोराजी तालुका में सोमवारथी 60 वर्षथी वधु वयना तमाम अने 45 થી 59 वर्षना कोर्मोबिड एटले के हृदय रोग, डायाबीटीस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी बीमारी धरावता तमाम लोगों ने कोरोना प्रतिरोधक रसीनो प्रथम डोज आपवानी शुरुआत करवामां आवशे। आ रसी तालुका में आवेला सामूहिक और प्राथमिक आरोग्य केन्द्र पर विनामूल्ये आपवामां आवशे। रसीकरण समये दस्तावेजों साथे राखवामां आवशे। आज रोज सरकारनी सूचनाथी अमारी एसडीएस धोराजी खाते 60+ 60 उंमरना व्यक्तिओ होय ए लोकोने तमामने वेक्सिनेशन कामगीरी चालू कर देवामां आवेल छे। बीजू के 45 થી वधारे अने 60 થી ओछी होय एवा व्यक्तिओ जे कोमोर्बिड होय एना सरकारे जे क्राइटेरिया नक्की करेल छे, हाइपरटेंशन हो, डायाबिटीस होय, कैंसर होय, किडनी डिसीज होय एवा लोकोने पण मेडिकल ऑफिसरनुं प्रमाणपत्र मळे वेक्सिनेशन करवामां आवशे। સાહેબ અંદાજિત કેટલા લોકોને રસી આપવામાં આવશે? અંદાજે આજનો અમારો ટાર્ગેટ 200 જેટલાને આપવાનો છે અને તમામ પ્રકારની તૈયારી અમારે લેવલે અમે પૂરી કરી દીધી છે। પંચમહાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન। પંચમહાલથી અમારા સંવાદદાતા વિજય સોલંકી જણાવે છે કે શહેરા તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના મતદાનની ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે શરૂઆત થઈ હતી। સવારથી 7 વાગે શરૂ થયેલા મતદાન મથકો પર પહેલાં ધીમું મતદાન થયું હતું। જેમ બપોર થયું તેમ મતદાન કરનારાઓની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો। શહેરાની નગરપાલિકાની 6 વોર્ડ અને 24 બેઠકોનું મતદાન શરૂ થયું હતું। શહેરાના મતદાન મથકો પર સવારથી લાઇન જોવા મળી હતી। શહેરા જિલ્લા પંચાયતની 4 અને તાલુકા પંચાયતની 19 બેઠકો માટે પણ મતદાન શરૂ થયું હતું। ગ્રામીણ વિસ્તારમાં મતદાન મથકો પર બપોરે મતદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી। મતદાન મથકો પર કોરોના મહામારીને કારણે ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી। કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો હતો। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहां भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें।